How many lithium atoms are present in the unit cell? How many lithium atoms are present in the unit cell with edge length 3.5 angstrom and density is 0.533 gram per centimeter cube and atomic mass of lithium is 6.94. So you have to find out the number of atoms. डेंसिटी क्या होती है बेटे? Z into molar mass over A cube into N naught. Means आपने ये निकालना है नंबर ऑफ एटम Z. You are given with A आपको एमस्ट्रॉन्ग में गिवन है. You have to convert into centimeters. अगर मीटर में कन्वर्ट करते तो 10^-10 हो जाना था. अब सेंटीमीटर है तो 10^-8 हो जाएगा. अरे अब आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2, 1, 4, 6. ए 2, B 1, 3, 4, D 6. शिवम यू आर राइट. शिवम ने निकाल दिया आंसर. बेटे देखो सिक्स तो कभी भी नहीं हो सकता. सिक्स किसी भी यूनिट सेल में एटम नहीं होता. हो सकता है सिक्स? जल्दी हरिया. बेटे जो वो चार था you will also do the different Brevis Latics too. उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं. पहले नहीं आते थे अब हो गया. आंसर आएगा 2. इतनी देर घर जाके निकालना. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट. हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी और वीक कोहेसिव फोर्सेस. किसी की भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में रहने के लिए कौन सी कंडीशन फेवर करती है? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी या वीक कोहेसिव फोर्सेस. इतनी देर लो टेम्परेचर.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड स्टेट. द फर्स्ट इज दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप. दे हैव इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल आर शॉर्ट. Their constituent particle doesn't have fixed position and can move freely. Bas, this is. Which of the following is true about the value of the refractive index of a quartz glass? Which of the following is true about the value of the refractive index of the quartz glass? A, same in all the direction. B, different in different direction. Same in all the direction, as quartz glass is amorphous. Which of the following statement is not correct about molecular solids? They are generally soft and easily compressible. They are good conductor of electricity, and as the electrons are dislocalized in the bonds, they have low melting and boiling point. And they consist of polar and non-polar molecules. They are good conductors. Molecular solids are, you think that they are good conductor. Hydrogen is good conductor, or chlorine is a good conductor. Your answer is B. क्योंकि बेटे वो सॉफ्ट होते हैं, इजली कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं जनरली. दे आर नॉट गुड कंडक्टर. दे आर सेइंग दैट दे आर गुड कंडक्टर्स. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यस ऑब्वियसली दे कंसिस्ट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ऑब्वियसली ये सिंपल वाले थोड़े सिंपल वाले हैं ना, थोड़ी एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाए. So graphite cannot be classified as conducting solid, network solid, covalent solid, or ionic solid. D, ionic solid. Which type of the crystal contain more than one Bravais lattice? हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहाइड्रल. इसलिए अभी चार्ट भी करना पड़ेगा, ये वाला लर्न कर लेना. देन मोनोक्लिनिक. हेक्सागोनल का एक ही होता है बेटे, ट्राइक्लिनिक का भी एक ही होता है, सिर्फ मोनोक्लिनिक है जिसमें प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड होते, बाकी सबका एक ही होता है. आपको याद करने ही पड़ेंगे. आप they are saying that complete the table. I'm drawing the table. This is type of crystal given. These are the dimensions, and this is the angle given. Okay. You are given with the four crystals. One is cubic, one is tetragonal. One is orthorhombic,
एंड वन इज हेक्सागोनल। पहले इस पे बहुत क्वेश्चन कम आते थे बट नाउ एज इट इज गिवन इन द सैंपल पेपर सो यू हैव टू डू। लेट मी राइट डायमेंशंस। क्यूबिक के लिए यू नो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड यू हैव टू टेल अस अल्फा बीटा एंड गामा क्या है। दिस इज गिवन पी, ठीक है। टेट्रागनल क्यू इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट दिस क्यू एंड यू आर गिवन विद अल्फा बीटा गामा दैट इज 90 डिग्री। फॉर द ऑर्थोरोम्बिक इट इज गिवन ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, वी नो, एंड यू हैव टू फाइंड आर एंड हियर यू हैव टू फाइंड एस and alpha is equal to beta is equal to 90 degree and gamma again you have to find out, means you have to find out p q r s t. Now what is p first without option, ye option diye hue hain, p aapko kya lagta hai kya hoga 90 डिग्री, सो पी इज 90 डिग्री। चलो ये होगा। अब आ जाओ क्यू पे, ए इज इक्वल टू, सो इट इज ऑल्सो सॉल्व, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देन यू हैव टू टेल अस आर कितना होता है। रोम्बिक है, रोम्बस में कितना होगा 90, दिस सेम अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, देन वी हैव टू फाइंड एस। हेक्सागोनल कैसे होगा, हेक्सागोनल की ये वाली बड़ी होती है और ए और बी सेम होती है ना, हेक्सागोनल की ये वाली सेम होती है और ये वाली बड़ी होती है। ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देन गामा, हेक्सागोनल में दो 90 होती है, क्या होती है 120। शिवम ने भी आंसर दिए हैं। शिवम यू आर राइट। हाउ मेनी यूनिट सेल आर डिवाइडेड इक्वली इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। Buddy, they are asking you how many unit cells are divided in a face-centered cubic lattice. The number of atoms ho gaya. Kitne faces hote hain? 6 unit cell ho gaye. एक एक इस तरफ लगी होगी, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 6 यूनिट्स, ठीक है। एन अलॉय, राइट डाउन एन अलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर गोल्ड, एन अलॉय ऑफ अ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड is found to have copper, is found to have copper constituting the CCP lattice। copper जो है
वो सीसी पिलाटिक्स बना रहा है उसमें से. इफ सिल्वर एटम ऑक्यूपाइड द एजिस, इफ सिल्वर एटम ऑक्यूपाई द एज सेंटर एंड गोल्ड एट द बॉडी सेंटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लॉ. अब मैंने ऑप्शन ही देने, निकाल लो क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखो. कॉपर कह रहे हैं, सीसी भी है कॉपर, उसमें से सिल्वर जो है एजिस में प्रेजेंट है और जो गोल्ड है आपका बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है. क्या फॉर्मूला होगा जल्दी विदाउट ऑप्शन. कॉपर कहाँ है, सीसीबी. सिल्वर कहाँ है, एजिस पे. और क्या बच गया आपका, गोल्ड. गोल्ड कहाँ है, सीसीबी का मतलब क्या, एफसीसी. एफसीसी में टोटल कितने आइटम होते हैं, तो मतलब कॉपर क्या हो गया, 4 Ag12 क्यों हो गया. एजिस का कितना शेयर होता है, कितनी एजिस होती है टोटल, 12. एक एज का कितना शेयर होता है, 12 × 1/4, 12 × 1/4 तो क्या हो गया, 3. और बीसी बॉडी सेंटर में कितने एटम्स पड़े होते हैं, 1. फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यस शिवम यू आर अगेन राइट. चलो ऐसे दो क्वेश्चन करो पहले. अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट. A crystal is formed by two element X and Y in cubic structure. X atom at the corner of the cube and Y atom at the face center. Formula batao jaldi. ऐसे पेपर में करने लगे ना फिर हो गए न्यूमेरिकल. एक्स कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर का कितना शेयर होता है, अरे बेटे 1 एटम हो सकता है. कितने टोटल कॉर्नर्स हैं, 8 × 1/8, 1 ही रह गया. वाई कहां प्रेजेंट है, फेस पे. फेस का कितना शेयर है, फॉर्मूला विल बी XY3. नेक्स्ट इज अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स पी एंड क्यू. अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स पी एंड क्यू. P आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. P कहाँ है, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. एंड Q आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. आगे सुनो, वट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड वट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q. ऑप्शन देखो, पी क्यू जिसमें है वही मैं बोल रही हूँ. फॉर्मूला बिल्कुल सी सही है. तो जहां पे पी क्यू है उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है बेटे, 6:6. एक दिया हुआ है 8:8.
बताओ। क्या बेटे? पी आपके कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे एंड एटम बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर ऑफ द क्यूब का कितना शेयर होता कॉर्नर ऑफ द क्यूब का कितना शेयर होता है? वन। बॉडी सेंटर का भी वन। तो फॉर्मूला क्या आ गया? पी क्यू। अब सेकंड कोऑर्डिनेशन पूछ रहे हैं। अब ये बॉडी सेंटर्ड है और ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब कॉर्नर, एक बॉडी सेंटर को कितने कॉर्नर वाले साउंड कर रहे हैं? एट। अगर एक बॉक्स के अंदर मैं बॉल रख दूं तो उस बॉक्स की कितनी कॉर्नर्स लग रही हैं उस बॉल के साथ? एट नहीं लग रही? बात समझ आई? तुम जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8। समझ आ गई? अब एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन करो, ये भी एग्जाम में आने हैं। ठीक है, आपके सभी टाइप के होंगे बेटे। विद टू ऑप्शन, विद वन ऑप्शन में मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं। पीबीक्यू टाइप, असर्शन रीजनिंग टाइप। अब ये कॉलम वन दी हुई है आपको, कॉलम सेकंड, ये आपको रेडियस रेशियो गिवन है। ये गिवन है 0.155 to 0.225, 0.225 से लेके 0.414, 0.414 to 0.732, देन 0.732 से लेके 1 तक। और कॉलम सेकंड में ये 4, ये 8, ये 3 और ये 6। और ये दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर और ये गिवन है रेडियस रेशियो। अब आपको ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगी कि जो कॉलम्स मैच हो रही होंगी। ठीक है, अब विदाउट ऑप्शन कॉलम मैच करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा? अरे बेटे इतना इजी है ये। देखो जितनी रेडियस रेशियो कम उतनी स्पेस कम उतना कोऑर्डिनेशन नंबर कम। साइज किसी का बड़ा होगा सेंट्रल का, उसको ज्यादा अकोमोडेट कर लेंगे ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स करे हैं तो बीच में बड़ा आयोडीन पड़ा है तभी 7 फ्लोरीन आए। बात समझ आई? सबसे कम रेडियस रेशियो क्या है? ये वाली। तो सबसे कम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये वाला 3। अब करो। सारे करो, एक एग्जांपल मिल गया, फटाफट से करोगे।
शिवम यू आर गिविंग राइट बेटे, बट द मैच इज आर फॉलोइंग. आपने ऐसे ये वन ऐसे लिखा है आपको. हाँ जी, अभी भी नहीं हुआ. चलो बोलो जल्दी. B1 C4 D6. ठीक है, नेक्स्ट. इन कैल्शियम फ्लोराइड टाइप, कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस ना, थोड़ा हार्ड है आपके लिए. दिस विल टेक आफ्टर वर्ड्स, समझाना खुद पड़ेगा. द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस. बॉडी सेंटर क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? कितनी है? व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी? जितनी पैकिंग एफिशिएंसी है उसमें से 100 को माइनस कर दो तो आपकी एम्प्टी स्पेस आ जाएगी. अब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? हरी अप. दे आर आस्किंग यू द एम्प्टी स्पेस, यू शुड नो द पैकिंग एफिशिएंसी फर्स्ट. ना ये बच्चों को ऐसे ही याद होती है और हमें याद नहीं है. लिखो FCC की 74, BCC की 68, सिंपल क्यूबिक की 52. 74, 68, 52. पहले 7, फिर 6, फिर 5. 7 के साथ 4, 4 2s are 8 और बीच वाला 6. 4 2. ठीक है, समझ आ रही है? 74 8 2. 4 8 2 इधर. अब बताओ एम्प्टी स्पेस कितनी बची? अगर पैकिंग एफिशिएंसी 68 है तो व्हाट विल बी द एम्प्टी स्पेस? कितना इजी क्वेश्चन. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग एफिशिएंसी? पूरी अवेलेबल स्पेस में से कितनी कवर्ड है? अब FCC में टोटल हम कहते हैं 4 एटम्स हैं तो पूरी अवेलेबल स्पेस में से कवर्ड है 72.4%. BCC में हम बोलते हैं 2 एटम्स हैं टोटल तो पूरी अवेलेबल स्पेस में कवर्ड है 68%. हम सिंपल क्यूबिक में बोलते हैं सिर्फ एक ही एटम है तो पूरी अवेलेबल स्पेस में बोलते हैं 52% यूज होती है स्पेस, और जो यूज नहीं हुई वो एम्प्टी है. समझ आ गई? चलो राइट डाउन. अब ये भी करने आनी ही चाहिए. द एज लेंथ ऑफ FCC सेल, द एज लेंथ ऑफ FCC सेल इज 508 पाइकोमीटर. इज 508 पाइकोमीटर
इफ द रेडियस ऑफ द केटाइन इज 110 picometer, what is the radius of anion? What is the radius of anion? ये एज लेंथ है कि हमारी हम अपनी कन्वीनियंट के लिए इतनी बड़ी बनाते हैं. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. यस बेटे देखो ऑडिबल. ठीक है तो इस तरीके के भी आने चाहिए. हमने कौन कौन से फॉर्मूले करे, डेंसिटी का, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड ए, अंडर रूट फोर आ जो करे हमने, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला किया इसमें. अब कल फिर सॉलिड स्टेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट.